आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर साप्ताहिक बंदी का जिलाधिकारी ने भ्रमणशील रहकर लिया जायजा, लोगों से की अपील, कहा कोरोना को हराने में प्रशासन की करे मदद, कोविड प्रोटोकॉल का करे पालन। जनपद में की गई साप्ताहिक बंदी का पुलिस ने कराया कड़ाई से पालन, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, एसएसपी ने लोगों से की अपील, कहा लगाए मास्क, करे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। एसपी सिटी के नेतृत्व में डायल 112 के वाहन महानगर में भ्रमणशील रहकर लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक, एसपी सिटी ने लोगों से की अपील, कहा मास्क व सोशल डिस्टेंस का करे पालन। आईएएस अविनाश सिंह ने संभाला नगर आयुक्त का कार्यभार, कहा शहर को कोरोना प्रभाव के प्रसार को रोकने के साथ शासन की योजनाओं को कुशलता से संचालित करना ही मुख्य प्राथमिकता, जल जमाव की समस्या का किया जाएगा निराकरण। एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया 14 से 16 अप्रैल तक पंचायत चुनाव से संबंधित विभिन्न थानों में दर्ज हुए 28 मुकदमे, 76 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार, 190 अभियुक्तों के खिलाफ की जा रही है विधिक कार्रवाई, कहा कानून तोड़ने वालों की होगी गिरफ्तारी। गोरखपुर में रविवार को मिले 817 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 28,780, अब तक 384 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 5,794 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। 16 अप्रैल को प्रेमिका के घर के सामने स्वयं को आग लगाने वाले प्रेमी की इलाज के दौरान हुई मौत, एसपी सिटी सोनम कुमार ने दी जानकारी। साप्ताहिक बंदी के दौरान चलाया गया सैनिटाइजेशन का महाअभियान, 70 वार्डों सहित मुख्य बाजार सड़कों को किया गया सैनिटाइज, नगर आयुक्त ने कहा सैनिटाइजेशन से कोरोना संक्रमण के फैलने से मिलेगी मुक्ति। पीआरवी 321 से कर्मचारियों ने कॉलर चेतन के द्वारा ट्रेन छूटने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर उन्हें पहुंचाया रेलवे स्टेशन, एसपी सिटी ने व्यक्त किया आभार, कहा उम्मीद है कि पीआरवी आगे भी ऐसा करती रहेगी कार्य। साप्ताहिक बंदी की स्थिति का जायजा लेने सड़क पर उतरे एडीजी जोन अखिल कुमार, बस स्टेशन पर जाना यात्रियों का हाल, कहा पूरी तरह से सफल रहा साप्ताहिक बंदी। रात्रि कर्फ्यू का दिखा पूरा असर, बेवजह घूमने वालों का पुलिस ने काटा चालान। और रविवार को संपूर्ण बंदी का दिखा असर, बाहर से आने वाले यात्री हुए परेशान, ऑटो चालकों ने वसूला मनमाना किराया।